दादी माँ के घरेलू नुस्खे किस बेस्ट किचन टिप्स। एक, गुलाब की तरह खिल उठेगा मुरझाया हुआ चेहरा। अगर आपने स्किन को आप डीप क्लीन करना चाहते हैं तो ऐसे में आपको स्टीम की मदद लेनी चाहिए। इससे आपके पोर्स अच्छी तरह से साफ हो जाते हैं। आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि आप स्किन पर ज़्यादा देर तक स्टीम ना लें। 3 से 4 मिनट तक स्टीम लेना काफ़ी होता है, ज़्यादा ना लें। नंबर दो, रात में सोते समय स्मार्टफोन कितनी दूर रखें। तकिए के नीचे रखने पर होता है ये नुकसान। स्मार्टफोन की नीली रोशनी मेलाटोनिन के उत्पादन को बाधित कर सकती है, जिससे नींद की गुणवत्ता कम हो जाती है। इसके अलावा फ़ोन की नोटिफिकेशन और अलर्ट्स की नींद में खलल डाल सकती है। स्मार्टफोन को तकिए के नीचे रखने से गर्मी जमा हो सकती है, जिससे फ़ोन गर्म हो सकता है और आग लगने का खतरा बढ़ सकता है। लंबे समय तक स्मार्टफोन के नज़दीक रहने से आँखों में जलन, सिर दर्द और कानों में दर्द जैसी समस्याएँ हो सकती है। इसलिए कभी भी रात में सोएं तो स्मार्टफोन को लेकर ना सोए पास में। नंबर तीन, अगर आपके शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी हो गई है तो आपको रेगुलरली अमरूद खाना शुरू कर देना चाहिए। अमरूद में आयरन की अच्छी खासी मात्रा पाई जाती है, जो आपकी बॉडी में होने वाली हीमोग्लोबिन की कमी को दूर करने में कारगर साबित हो सकता है। नंबर चार, स्टीम लेने से भी खांसी में आराम मिल सकता है। अगर आप पुदीने के पत्तों को गर्म पानी में डालकर भाप लें, इससे गले से लेकर फेफड़ों तक की सफाई होती है। गले में मौजूद एलर्जिक कण निकल जाते हैं, फेफड़ों को ऐसे बीमार करता है प्रदूषण। भाप लेना एलर्जी खांसी के उपचार का एक प्रभावी तरीका है, खासकर जब ये कंजेशन के कारण होता है। एलर्जी आपके श्वसन पथ में अतिरिक्त बलगम के उत्पादन को जन्म दे सकती है, जिससे खांसी हो सकती है। भाप लेने से इस बलगम को पतला और ढीला करने में मदद मिलती है, जिससे इसे बाहर निकालना आसान हो जाता है। तो आपके अगर ठंड, जुकाम, खांसी हो रखी है तो भाप आप जरूर लें। नंबर पाँच, शिशु की त्वचा को साफ करने और रंगत निखारने के लिए दूध और हल्दी का मिश्रण लगाया जा सकता है। इसमें हल्दी, कच्चा दूध, ताजी मलाई और बेसन मिलाकर पेस्ट बनाया जा सकता है। इसे बच्चे की त्वचा पर लगाकर 5 से 10 मिनट के लिए छोड़ दें और फिर साफ सूती कपड़े से थोड़ा सा गीला करके इसको हटा दें। दूध में विटामिन ए, डी, B12, लैक्टिक एसिड और बायोटिन जैसे कई पोषण तत्व पाए जाते हैं। ध्यान रखें, इस पैक को बच्चों की बॉडी पर ज़्यादा ना रखें, सूखने ना दें। नंबर छः, चिया सीड्स, पॉपी सीड्स और तिल ऐसे बीज हैं जो शरीर को अच्छी मात्रा में कैल्शियम देते हैं। इन बीजों में फास्फोरस, मैग्नीशियम और फायदेमंद फैटी एसिड्स भी होते हैं, इसलिए इन बीजों को खाने पर हड्डियों को मजबूती मिलने में मदद मिलती है। अंजीर, टोफू, पनीर, दूध, संतरा, बादाम, हरी पत्तेदार सब्जियां 15 से 20 मिनट धूप में बैठने, इस सबसे आप अपनी कैल्शियम की पूर्ति कर सकते हैं। कैल्शियम सप्लीमेंट लें, इससे हार्मोन के स्तर संतुलित होते हैं और कैल्शियम को आसानी से अवशोषित किया जा सकता है। हालांकि सप्लीमेंट लेने से पहले डॉक्टर से ज़रूर सलाह लें। नंबर सात, मानसून में एलर्जी और इन्फेक्शन से बचने के लिए अदरक में एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटीऑक्सीडेंट गुण होते हैं, जो प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत करने और सूजन को कम करने में मदद करता है। इसमें एंटीबैक्टीरियल गुण भी होते हैं, जो कई तरह के इन्फेक्शन को कम कर सकते हैं। नंबर आठ, क्या वाकई घरेलू जानवर डिप्रेशन, एंजाइटी दूर करते हैं? स्ट्रेस रिलीफ पालतू जानवर, खासकर कुत्ते, लोगों को स्ट्रेस से राहत दिलाने में काफ़ी मदद करते हैं। उन्हें सहलाने या उनके साथ समय बिताने से मानसिक शांति मिलती है और गुड हार्मोन्स रिलीज होता है, जिससे मूड तुरंत बेहतर होता है। नंबर नौ, यदि आप तनाव की समस्या से जूझ रहे हैं तो ऐसे में आप खाली पेट तुलसी के पत्तों का सेवन कर सकते हैं। ये सिर दर्द की समस्या को भी दूर करने में उपयोगी है। तुलसी बहुत ज़्यादा फायदेमंद मानी गई है। नंबर दस, आँख के फूल का रस अर्थराइट्स और जोड़ों के दर्द में राहत प्रदान कर सकता है। इस फूल के अर्क की मसाज करने से जोड़ों की सूजन कम होती है, दर्द में कमी आती है। अक्सर लोग इसे घरेलू उपचार के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। नंबर 11, गले में खराश या सूखी खांसी होने पर पिसी हुई अदरक में गुड़ और घी मिलाकर खाएं। गुड़ और घी के स्थान पर शहद का उपयोग भी किया जा सकता है, इससे आपको तुरंत आराम मिलेगा। नंबर 12, हीना, जिसे कई लोग मेहंदी के रूप में जानते हैं, इसे बाल में लगाने से बाल घने और मजबूत बनते हैं। बेहतर प्रभाव के लिए आप हीना के साथ ग्रीन टी या नॉर्मल चाय की पत्तियां डालकर पीस लें और फिर इस पेस्ट को अपने बालों पर लगाएं, इससे आपका बाल झड़ना रुक जाएगा। नंबर 13, एक कटोरी में 2 चम्मच शहद लें और इसमें 2 चम्मच नींबू का रस मिलाएं। अब इस पेस्ट को अपने चेहरे पर लगाएं,
जब पेस्ट ड्राई हो जाए तो हेयर ग्रोथ के विपरीत दिशा में गीले तौलिए से इस पेस्ट को रिमूव करें। इस बात का ध्यान रखें कि तौलियों को ज़्यादा जोर से ना रगड़ें। इसके बाद अपने चेहरे को नॉर्मल पानी से धो लें, पर ध्यान रखें आपको इसको करने से पहले अपनी स्किन पर लगा के टेस्ट कर लें कहीं आपको एलर्जी तो नहीं है नींबू से। नंबर 14, सौंफ में विटामिन ए होता है जो आँखों की रोशनी के लिए बेहतर जरूरी है। ऐसे में इसके सेवन से आँखों की रोशनी तेज होती है, आँखों के संक्रमण से भी बचाती है। 15, एलोवेरा में विटामिन ई, विटामिन सी और कई पोषक तत्व पाए जाते हैं जो स्किन को हेल्दी रखते हैं। इसे चेहरे पर लगाने से त्वचा की नमी बरकरार रहती है। झुर्रियों को कम करने के लिए रोजाना एलोवेरा जेल से चेहरे पर मसाज करें, धीरे धीरे झुर्रियाँ बिल्कुल ठीक हो जाएगी। नंबर 16, दही और छाछ का सेवन रोजाना जरूर करना चाहिए। इससे आपको विटामिन डी मिलता है जो हड्डियों को मजबूत करता है, हाजमा ठीक रखता है। नंबर 17, दिमाग को हेल्दी रखने के लिए डाइट में नट्स और सीड्स को जरूर शामिल करें। इनमें ओमेगा 3 फैटी एसिड और एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं। ये ऑक्सीडेंटिव स्ट्रेस को कम करते हैं जिससे दिमाग के सेल्स हेल्दी रहते हैं और याददाश्त कमज़ोर होने जैसी समस्याएं नहीं होती है। नंबर 18, अजवाइन की चाय शरीर में इन्फ्लेमेशन को कम करती है। इन्फ्लेमेशन शरीर में अंदरूनी भी हो सकता है और बाहरी भी। जोड़ों का सामान्य दर्द हो या गठिया, अजवाइन की चाय के गुण इन सभी में बहुत ही राहत देते हैं। नंबर 19, ऑलिव ऑयल कान के मैल को नरम करने में सहायक होता है। कुछ बूंद जैतून का तेल कान में डालें, इसे 15 से 10 मिनट रहने दें, फिर अपने सिर को झुकाकर तेल और मैल को बाहर निकालें। अगर कान में दर्द, सूजन या संक्रमण हो तो डॉक्टर से संपर्क जरूर करें। नंबर 20, लौंग में कई ऐसे कंपाउंड पाए जाते हैं जो लीवर के लिए बहुत ही फायदेमंद होते हैं। ये कंपाउंड फैटी लीवर डिजीज से बचा सकते हैं। ध्यान रखें कि लीवर में अगर आपके कोई परेशानी है तो आप हेल्दी खाएं। 21, फैटी लीवर को ठीक करने के लिए जीवन शैली को सुधारना जरूरी होता है। अच्छी कसरतें जैसे कि चलना, दौड़ना, तैरना और मोटापा कम करना, ये चीज़ें फैटी लीवर को ठीक करने में महत्वपूर्ण है। पोषक आहार जिसमें हरी पत्तेदार सब्जियाँ, फल होना फैटी लीवर को ठीक करने में कारगर होता है। फैटी लीवर आहार में प्रत्येक भोजन के दौरान एक रंगीन प्लेट रखें जिसमें एक बड़ा हिस्सा विभिन्न सब्जियों से भरा हो। विभिन्न प्रकार की ब्रेड और साबुत अनाज से बने अनाज का सेवन करें। नियमित रूप से फलियां खाएं, ताजे फल रोजाना खाए जा सकते हैं, इससे आप फैटी एसिड होने से बचे रहेंगे। हमारी ये वीडियो आपको कैसी लगी ज़रूर बताएं। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर दीजिए। धन्यवाद।